नायब तहसीलदार का एग्जाम कदों होएगा, आखिर पीपीएससी सुता होया कदों जागेगा। बहुत सारे बच्चों के सवाल ने, शायद जिन्हों ने पीपीएससी की टैलीफोन लाइन ही बिजी कर रखी है डेली रूटीन दे विच, बल्कि बहुत सारे की गिनती के मुताबिक फोन जाते हैं और जाने लाजमी भी है, क्योंकि यह तो है नहीं गा कि असी 12 महीने 30 दिन एक बुक नू चक के स्टडी करते रहांगे या किसी ने किसी यूट्यूबर दियां गल्लां सुन के असी तैयारी करते रहांगे। बहुत सारे सवाल ने, क्योंकि अजकल जिंदगी हर किसी की बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर चल रही है, ना साडे कोले सुनने की क्षमता रही है, क्योंकि साडी फ्रस्ट्रेशन्स बहुत सारी वधाउण दे विच गौरमेंट का वड्डा हथ है। गौरमेंट के बहुत सारे नुमिंदे अपनी जॉब बचाने के लिए शायद तक मैं कह सकदा लखां बच्चों की जिंदगी दांव ते लाई बैठे ने। दोस्तों एक वड्डी ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है, जिहड़ी कि सवक्ते सवक्ते सानू इनफॉर्मेशन मिल गई है, और यह सर्टन इनफॉर्मेशन है कि सब तो पहली इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल मैं वन बाय वन डिटेल नाल सांझी करांगा। उस तो पहला दसना चाहते हैं कि तुसी जिन्ने भी जने तैयारी कर रहे हो, खास तौर पर पीपीएससी नायब तहसीलदार, पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दे पेपर नू लैके बहुत सारी एक्साइटमेंट है तुहाडे सब दे विच, मतलब एक्साइटेड हाँ आपां सब लोग कि आखिर यह कदों नोटिफिकेशन आएगा, कदों साडा एक नवा विजन होएगा, खास तौर पर उन्हां बच्चों के लिए जिन्हां दा रिसेंटली जिवें आप एक्साइज की गल करते हैं उहदे विच अच्छी रैंक नहीं गई है, या जिन्हां दी पटवारी दे विच अच्छी रैंक नहीं गई है, या जिन्हां दी कोऑपरेटिव बैंक दे विच अच्छी रैंक नहीं गई है, तो शायद उन बच्चे उड़ीक करते हैं कि साडे कोले थोड़ा फ्लैट प्रोसैस है, क्योंकि खास तौर पर पीपीएससी नायब और कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम होएगा, ना अंग्रेजी तैयार करनी पवे, ना आपां कंप्यूटर तैयार करना पवे, ना आपां नूं इहदे विच खास तौर पर पंजाबी तैयार करनी पवे। कई पार्ट ने जिहड़े खास तौर पर साडे तो दूर हो जाणगे और असीं फुली कॉन्सनट्रेट करके अपना 100% दे सकते हैं। दोस्तों इनफॉर्मेशन के मुताबिक पूरी जानकारी तुहाडे नाल मैं सांझी कर दांगा, उस तो पहले दसना चाहुंदा कि जे तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भुलना, ताकि कोई भी लेटेस्ट इनफॉर्मेशन होएगी तुहानूं परफेक्ट सब तो पहला दिती जाएगी। पीपीएससी नायब तहसीलदार दे रिटन पेपर दी डेट सानू अपकमिंग वीक दे विच मिल सकती है, क्योंकि इस तो पहला जिहड़ी खबर निकल के आई सी कि पीपीएससी चेयरमैन नहीं सीगे, चेयरमैन दे आउंदिया ही पीपीएससी दा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ सीगा, जो उत्थे नॉन टीचिंग स्टाफ सीगा, सारी यूनियन स्ट्राइक ते सीगी, गवर्नमेंट दे अगेंस्ट स्ट्राइक चल रही सी, उस स्ट्राइक दे विच गवर्नमेंट ने जो डिमांड सीगी वह सारी मान ली है, इस करके हुण ये नोटिफिकेशनस फाइनल हो चुके हैं। सानू दिवाली तो पहला हालांकि नोटिफिकेशन की पूरी खबर सीगी कि जो साडे कोल सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक खबर मिल जानी चाहिदी सी, जिहड़ी वो खबर किते ना किते लेट हुई है। दोस्तों तीन खबरां वड्डियां पीपीएससी देगा, जेई दे जिहड़े पेपर विचाले लटकाए ने वो पेपरां दी डेट, नायब तहसीलदार दी रिटन पेपर दी डेट, ते कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दी, इह पीपीएससी तो खबर निकल के आ रही है कि यह तीन चीज़ों पीपीएससी किसी भी हालात में पूरा इस साल कर देगा, चाहे थोनू जॉइनिंग अगले साल दे देवे, लेकिन पीपीएससी तिना दे नोटिफिकेशन आउट करके इन्हां दे पेपर इस साल कवर कर देगा। जिथों भी तुसी पढ़ रहे हो, मैं किसी गल की एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहा, मैं थोनू सिर्फ संकेत दे रहा और सचेत कर रहा, सतर्क कर रहा कि थोड़ा जा गुस्सा भड़ास थोड़ी जी साइड पर करके, थोड़ा जा मतलब ठंडा पानी पी के अपने विजन नू, अपने मिशन नू वापस तो शुरू कर लो। वाहिगुरु देर नाल ही सही कुछ देगा जरूर। तो लगभग सानू एक्सपैक्टेड डेट जिहड़ी दस रहे हैं वह कहिंदे कि यह मंथ दे लास्ट विच सानू नायब तहसीलदार दे रिटन पेपर की डेट मिल सकती है, इस मंथ दे लास्ट विच रिटन डेट की डेट मिल सकती है, नोटिफिकेशन सानू जल्दी मिल जाएगा। इहदे नाल नाल जो असी पहला भी एक नोटिफिकेशन दे विच दस्या सीगा कि जिथों भी अपडेट्स आ रही है निकल के कि इस बार गौरमेंट जो जाएगी पीपीएससी पीसीएस दियां 108 असामियां दे के जाएगी, मतलब जाने का मतलब है कि कोड ऑफ कंडक्ट तो जाने तो पहला नोटिफिकेशन पीपीएससी ने अपना बना लिया है, करैक्ट है। इस बार पीपीएससी पीसीएस यानी पीसीएस दे विच 108 असामियां आउणगियां, 70 72 76 नहीं, बाकी ऑन द सपोर्ट अगर कोई चेंजस कर देन तो कह नहीं सकते, क्योंकि गौरमेंट कुछ भी और
ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਪ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਯਥਾਵਤ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿਲਜ ਮੈਂਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਪੂਰੇ 2000 ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਛੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਪਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਵਨ ਕਿ UPSC ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।